2,96 के भाव चल रहे हैं इसमें। देखिए इसमें जो इनका एक्विजिशन था उस पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क लगे हैं अभी, और जिसके कारण कि हमने 320-30 रुपए था वहां से गिरकर 260 रुपए के करीब स्टॉक प्राइस आ गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हमारी यहाँ की सबसे बड़ी कोर्ट है उसमें कुछ जो है शंकाएं कुछ चिंताएं जाहिर की थी कि इनका जो भी ट्रांसफर फंड्स हुए हैं उसमें कोई इश्यू है और इसके कारण की गिर गया था। लेकिन हेल्थ केयर को अगर देखेंगे पूरे में पूरी इंडस्ट्री में तो ये कंपनी का एक बड़ा बेस है। कैश फ्लो इज ए क्वेश्चन अभी भी, क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज है, नया मैनेजमेंट है और उसके कारण, लेकिन ऑपरेशनल बेड्स देख लें काफी बड़े हैं इनके और इनका बेस काफी बड़ा है। और जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है इंडिया में बड़ी कंपनी है, उसके बाद हम फोर्टिस को देखते हैं। और इसी सेक्टर में चूंकि इसमें कुछ इश्यूज थे इसके कारण हमने इसको अवॉइड किया, अदरवाइज इसमें अच्छा नंबर्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं अभी, बट जो इश्यूज हैं उसके कारण हमने इसको थोड़ा अवॉइड किया था, किम्स लिया था। और इसमें और भी एक कंपनी है जो नारायण हृदयालय बोल के, वो भी इन दिनों काफी अच्छा कर रही है, तो उन दो कंपनियों पे नजर है मेरी। इस पे चूंकि कुछ इश्यूज के कारण नहीं थी, अदरवाइज अभी देखें तो अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। और अगर आपके पास है तो होल्ड करने की सलाह होगी। इसमें से फिर से जो ब्रेकआउट आएंगे 300 रुपये 305 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता है तो अच्छी तेजी इसमें दिख सकती है। और आपके पास अगर है अभी तो आपने एक स्टॉप लॉस टू बाई क्लोजिंग बेसिस जो है 285 के नीचे का ही लगा के रखें बाई क्लोजिंग बेसिस।